वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 117 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह टेस्ट नंबर 18 100, तो इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हर टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन है, आज है 23 जनवरी 2020 और दूसरा टेस्ट है आज सिविल सेवा का। क्वेश्चन नंबर वन है, जासकर नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर जासकर नदी जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है और यह झेलम की सहायक नदी है। देखिए, जो जासकर रिवर है वो बिल्कुल भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है, करेक्ट है। ये झेलम की नहीं, ये सिंधु इंडस की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड है इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली। तो देखिए, जासकर नदी जो है भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है और ये वर्तमान में अब दो नए क्या हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इससे अलग हुआ है ये। तो पहला करेक्ट है, और यह जो नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है, ना कि झेलम की। क्वेश्चन नंबर टू है, रावी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रावी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है, इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? परुषणी है, और यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट तो हल हुआ है, सभी को पता होगा, और इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम परुषणी, रावी का ही परुषणी, करेक्ट है। और यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा भी बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो रावी जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है, तो पहला करेक्ट है, और इसका ऋग्वैदिक कालीन नाम है परुषणी, तथा इसे लाहौर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा भी बनाती है ये। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कोल डैम परियोजना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर इस परियोजना का प्रारंभ सन 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नींव का पत्थर रखकर किया था, और यह जो परियोजना है वो सतलुज नदी पर बनाई जा रही है। कोल डैम परियोजना पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा, नीचे देख लेना पूछा क्या है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, बंटू। तो देखिए, कोल डैम परियोजना जो है ये भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का प्रारंभ सन 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नींव का पत्थर रखकर किया था, और यह जो परियोजना है सतलुज नदी पर बनाई जा रही है, और इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मंडी जिलों की सीमा पर बनाया जा रहा है। सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर और मंडी जिलों को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर फोर है, थीन डैम परियोजना के संदर्भ में यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, और यह जो परियोजना है पंजाब के पठानकोट जिले में ब्यास नदी पर स्थित है। थीन डैम परियोजना, देखिए थीन डैम तो रावी नदी पर बना है ना, तो ब्यास कहाँ से आ गई? पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, तो वन हो जाएगा इसका आंसर, केवल एक। तो देखिए, जो थीन डैम परियोजना है यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है, ना कि ब्यास। इसको रणजीत सिंह रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पहला करेक्ट है और दूसरा तो इनकरेक्ट होना चाहिए ना, पहला करेक्ट है। और थीन बांध जो है उसका निर्माण हुआ था 1982 में शुरू हुआ था, तथा ये 1999 में बनकर पूरा हुआ। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि रावी नदी पर है, सॉरी फॉर दिस, केवल वन करेक्ट है यहाँ पर, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी, और इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो ये तीन नाम है यहाँ पर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, इनके सामने लिखा है ये थे क्या क्या। तो वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। तो पैथिक लॉरेंस जो थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री।
तो सारे के सारे एकदम सम्मिलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। तो देखिए, वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने, जिनका पूरा नाम है क्लीमेंट एटली ने, भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, भारत सचिव सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष ए वी एलेक्जेंडर थे, एडमिरे लिटी के प्रथम लॉर्ड या फिर नौसेना मंत्री, और इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे कि इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत का विभाजन माउंट वेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो सी हो जाएगा। तो भारत का विभाजन माउंट वेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया, तो पहला करेक्ट है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ लाइन है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण है, तो दूसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीधी या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, और यह जो दिवस है वो 15 अगस्त 1946 को मनाया गया। देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मुस्लिम लीग ने मनाया था, करेक्ट है, लेकिन ये 15 अगस्त को नहीं, बल्कि ये मनाया गया था 16 अगस्त को। कब मनाया गया था? 16 अगस्त को। तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है, तो दो को कर दो एलिमिनेट, केवल एक। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, और यह दिवस जो मनाया गया वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, इसलिए दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी नदी का प्रवाह किन बातों पर निर्भर करता है? किन बातों पर निर्भर करता है? अधिकतर फोकस ज्योग्राफी के प्रश्नों पर इस टेस्ट में, एक आधा प्रश्न हिस्ट्री का भी मिल सकता है। तो देखिए, किसी भी नदी का जो प्रवाह है किन बातों पर निर्भर कर सकता है? नदी वाले क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितनी है? जिस क्षेत्र में नदी बहती है उसके धरातल की पारगम्यता क्या है? और जिस क्षेत्र में नदी बहती है उसकी आकृति कैसी है? तो पहला तो करेक्ट है, आसान भाषा में सभी को समझ में आ गया होगा। तीसरा भी करेक्ट ही है। क्या दूसरा करेक्ट है? जिस क्षेत्र में नदी बहती है उसके धरातल की पारगम्यता क्या है? ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी नदी का प्रवाह निम्न मुख्य बातों पर निर्भर करता है, जैसे नदी वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी है। अब इसको देखिए, देखिए स्वाभाविक है कि वर्षा अधिक होने से नदी में जल का प्रवाह अधिक होगा, और इस प्रकार वह एक बड़ी नदी बनती चली जाएगी। और जिस क्षेत्र में नदी बहती है उसके धरातल की पारगम्यता क्या है? तो यदि धरातल बहुत अधिक नर्म होगा तो नदी का जो पानी है भूमि के अंदर अधिक जाएगा। इससे क्या होगा? नदी में पानी की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहेगी। अब देखिए, जिस क्षेत्र में नदी बहती है उसकी आकृति कैसी है? तो यदि क्षेत्र ढलान वाला है तो जो नदी है वो संकरी और उसका प्रवाह जो है वो तीव्र जाएगा। अब देखिए, जब नदी में पानी बहता है तब उस पर दो शक्तियाँ कार्य कर रही होती हैं। पहली होती है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसके कारण नदी जो है वो ढलान की ओर अपने आप बहती चली जाती है, और दूसरा होता है घर्षण बल। यह धाराओं के आपस में टकराने से तथा तरंगों और नदी में बह रहे पत्थरों एवं तटों से पैदा होता है। यह घर्षण बल मूलतः नदी के प्रवाह का जो है विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, और इन्हीं के अनुसार देना है आंसर कि कौन सा इन दोनों में से करेक्ट है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप की जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, यह अलेक्जेंड्रिया के निकट भूमध्य सागर में मिलती है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की जो नदी है ना, नील नदी, वो विश्व में सबसे लंबी नदी है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और यह अलेक्जेंड्रिया के निकट मेडिटेरियन सी में गिरती है, दूसरा भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबी है? 6,690 किलोमीटर, पहला करेक्ट है।
यह अलेक्जेंड्रिया के निकट भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। दूसरा भी सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। फिर से किसी नदी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी है और यह है इवास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। देखिए सात महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, अब इवास्का किधर है, मैक्सिको की खाड़ी कहाँ यूएस की तरफ चली गई। तो पहला तो करेक्ट हो गया ना, दूसरा तो ब्लंडर कर दिया। तो देखिए इवास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में मरे डार्लिंग नहीं बल्कि मिसिसिप्पी गिरती है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। और नीचे भी देख लेना पूछा क्या सही है गलत है। तो देखिए मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी है, इसलिए पहला तो करेक्ट हो गया। और यह आल्प से निकलकर हिंद महासागर की एनकाउंटर खाड़ी में गिरती है, ना कि मैक्सिको की खाड़ी में। तो मैक्सिको की खाड़ी में कौन गिरती है? तो देखिए मिसिसिप्पी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है, जो अमेरिका के इवास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, ना कि एनकाउंटर की खाड़ी में, क्योंकि एनकाउंटर की खाड़ी में क्या गिरेगी, मरे डार्लिंग गिरेगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए करेक्ट करने के लिए, एनकाउंटर की खाड़ी। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है मिसिसिपी के लिए है। तो देखिए 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन करते रहना, टेस्ट का रिवीजन 1 से 2 बार करते रहना। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। सब्सक्राइब रखना चैनल को, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।